हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंशु और स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। तो आज है छठ पूजा का दिन, शाम के अर्क का दिन, और आज हम लोग निकले हैं बाहर क्योंकि आज थी छुट्टी। तो सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े, कुछ सामान भी लेना था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो घूम के आते हैं। और मुझे जाना था पार्लर, बट मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो 12 बजे का था और फिर हम लोग थोड़ा लेट हो गए, तो सैलून वाले ने बोला कि वो नहीं हो पाएगा अभी। तो ठीक है, फिर हमें जाना था ये आईबीओ गए हम लोग क्योंकि हमारे बाथरूम का टैप चेंज करना था। तो वो टैप लेने के लिए हम लोग आईबीओ की तरफ गए, वहाँ पर जाकर टैप और भी कुछ कुछ सामान लेने थे, वो सब लेकर के लिए। और वान्या तो ये ट्रॉली में बैठ जाती है और उससे निकलती नहीं है वो। अभी सब कुछ लेकर फिर बिलिंग करा रहे थे, फिर वापस आ रहे थे अभी। ये है आईबीओ और बस अभी वापस निकले। फिर हमें जाना था, कुछ प्लांट्स वगैरह भी लेना था बट नहीं हो पाया आज, और भी कुछ कुछ काम हो गया तो टाइम ही नहीं मिल पाया, तो प्लांट्स भी हमारा रह गया। तो बस अभी तो सिर्फ ये कुछ सामान लेकर फिर वापस, और उसके बाद फिर आज था हमारे कैंपस में टूर्नामेंट्स। ये लेडीज़ क्रिकेट टूर्नामेंट था, तो यहाँ पर सारे लेडीज़ जो हैं वो क्रिकेट खेले थे। तो ये है विनर टीम, जो कि ये हो रहा है कर्नाटका राज्योत्सव के लिए। तो ये क्रिकेट था, बैडमिंटन था, मतलब सभी चीज़ों के टूर्नामेंट हुए थे। वॉलीबॉल था, बास्केटबॉल था, हर कुछ, बच्चों के लिए भी था। तो ये सारा कुछ कैंपस में, हमारे कैंपस में ही ऑर्गेनाइज़ हुआ था। फिर वहाँ से ये सारे मैचेस चल ही रहे थे, फिर वहाँ से हम लोग निकले अपना काम वाम करके। फिर वान्या को मन था पिज़्ज़ा खाने का, तो हम लोग सोचे कि चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। फिर हम अभी क्या है ना कि इधर से हम लोग डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा नहीं खा रहे हैं। इधर से क्या हो रहा है कि हमारे घर के पास ही खुल गया है पिज़्ज़ा हट, तो पिज़्ज़ा हट का ही पिज़्ज़ा हम लोग इधर से एक दो बार ही तो हो गया अभी कुछ दिनों में, तो दो बार ही पिज़्ज़ा हट का ही पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ये KFC है और KFC के बगल में ही पिज़्ज़ा हट है, और बगल में A2B है। A2B तो बैंगलोर में जो भी लोग रहते हैं वो A2B अच्छे से जानते ही है। तो ये हमारे घर के पास ही है, तो बस हम लोग जा रहे थे पिज़्ज़ा खाने। और पिज़्ज़ा में हमने किया कुछ नया ट्राई, ये मैंने देखा कि यहाँ पर ये मोमो पिज़्ज़ा मिल रहा है। ये देखो, ये पिज़्ज़ा के गोल स्लाइसेस थे और साइड जो है वो मोमो डले हुए थे, मोमो, और उसके अंदर वेजिटेबल स्टफ्ड था और चीज़ था। और एक ये पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया साथ में कोल्ड ड्रिंक, बट मेरे को इतना पसंद नहीं आया मोमो पिज़्ज़ा। फिर शाम हो गई, घर लौटते ही फिर हम लोग रेडी हुए, मैं रेडी हुई। फिर उसके बाद ये देखो, ये हमारे कैंपस में ही छोटा सा घाट बनाया गया था छठ पूजा के लिए, तो वहाँ पर ही गए। ये शाम के टाइम का है, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना था, छोटा ही बना हुआ था। ये वॉलीबॉल कोर्ट है, उसको ही इसमें कन्वर्ट करा गया था। तो ये मैंने पहना था आज साड़ी, ग्रीन कलर की साड़ी मैंने पहनी थी। ये कुछ फोटोग्राफ्स, ये देखो इतना अच्छा, मतलब बैंगलोर में भी इतने अच्छे तरीके से पूजा वगैरह होता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखकर, और बहुत मज़ा भी आता है, अच्छा लगता है, मतलब अच्छी अच्छी वाली वाइब्स आती है तो अच्छा लगता है। ये सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, सबकी फैमिली ने छठ किया हुआ था, तो ये लोग सारे अंदर हैं। तो हमारे कैंपस में हर चीज़ होता है, उधर टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, इधर छठ पूजा की तैयारी थी, छठ पूजा हो भी रहा था, फिर कर्नाटका राज्योत्सव भी फर्स्ट को सेलिब्रेट किया गया,
तो और मैं उसकी भी वीडियोस कुछ डालूंगी आपके साथ। तो ये मेरी आउटफिट कैसी लगी, मतलब मेरी साड़ी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बस पूजा हो गया ख़त्म शाम का। और फिर हम लोग बस घर आ गए। और फिर ये है सुबह के छठ वाले दिन की कुछ वीडियोस और फ़ोटोज़। ये वान्या है रेडी, सुबह के बज रहे थे 5:30, मैं उठी थी 4 बजे सुबह में। फिर रेडी होकर उसके बाद मैं आई घाट पर, वान्या भी उठ गई थी, वो भी रेडी होके नहा के बिल्कुल छठ पूजा में आई। उसको तो बहुत मज़ा आ रहा था, अभी तो बाहर ही खड़ी थी, बट थोड़े टाइम के बाद जब वो अंदर पानी में गई तो वो बहुत ही इन्जॉय कर रही थी। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं छठ पूजा के, ये वान्या पानी के अंदर, इसको तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ये मैं पीछे खड़ी हूँ। छठ पूजा का तो यार क्या ही कहना, मतलब बहुत अच्छा लगता है ये फेस्टिवल, अलग ही फीलिंग आती है। ये हम लोग सूर्य उदय होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि सामने बिल्डिंग है तो थोड़ा लेट से सूर्य दिखाई देता है। बस इतने सारे प्रसाद मिल गए थे, मेरे हाथ पूरे फुल थे प्रसाद लेकर। और ये मैं पूरी भींग गई थी, क्योंकि मैं भी पानी में गई थी तो पूरी भीगी हुई थी। फिर आ गए हम लोग घर, और ये घर में लिया हुआ है सेल्फी। बस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।